नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मिस्टर कैंग। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बाइनेंस पे आपको जो वाउचर कोड्स मिल रहे हैं, कहीं आपने देखा होगा आपके मेल पे मेल आया हुआ है कि क्लेम योर वाउचर अप टू 200 USDT या फिर 200 BUSDT, 500 BUSDT। तो ये जो वाउचर आपको मिल रहे हैं, क्या आप इनको यूज कर सकते हैं या फिर यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्या इनको यूज करना सही है या फिर नहीं सही है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे आज नए आए हुए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही और भी वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हमारा बाइनेंस का डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं आपको मेल आया होगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी वाउचर मिला हुआ है तो आपको या तो एक पॉपअप आपके ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर आपको दिख रहा होगा, या फिर आपको मेल के थ्रू यहाँ पे एक मेल आया होगा जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि आपको $500 का या फिर 500 BUSD का या फिर 200 BUSD का आपको फ्री वाउचर कोड मिल रहा है 7 दिन के लिए, यानी कि 7 डे ट्रायल फंड आपको मिल रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से लोन होता है, लोन का अमाउंट जिसमें आप 7 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, और यूज करेंगे तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर तक आपको कोई भी यहाँ पे ये एक तरीके से जो लोन है इस पे आपको कोई भी फीस नहीं देना है, यानी कि जो इनका ब्याज है इंटरेस्ट है वो आपको नहीं देना है। लेकिन दोस्तों ये आप यूज भी तभी कर पाएंगे जब आपके बाइनेंस में स्पॉट बैलेंस में उतना बैलेंस किसी न किसी एसेट में पड़ा होगा, क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम कहीं से भी लोन लेते हैं तो वो उसके एवज में हमारा कुछ ना कुछ ले लेते हैं, यानी कि अगर हम मान लो बैंक से लोन लेते हैं तो वो या तो हमारी प्रॉपर्टी कार या कुछ भी हमारा प्रॉपर्टी के रूप में ले लेते हैं जिसके एवज में वो हमें लोन देते हैं। तो सेम इसी तरीके से बाइनेंस कोई बेवकूफ तो है नहीं जो कि हमें फ्री में $500 के या $1000 के हमें इस तरीके से लोन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलो कि आप उस डॉलर को यूज कर रहे हो ट्रेडिंग में और लॉस होता है, तो वो लॉस अगर मान लो आप नहीं पे करते हो तो उसमें लॉस होगा बाइनेंस का। तो इसी वजह से वो पहले से ही आपके एसेट जो आपके पड़े हुए हैं उनको वो पहले से ही गिरवी रखवा लेता है एक तरीके से आपसे, तब उसके बाद ही आप उसको जो उसने आपको $500 का या जो भी आपको वाउचर कोड दिया हुआ है उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसको यूज कैसे करना है, रिडीम कैसे करना है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरा बाइनेंस का ये डैशबोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे मैं जब जाता हूँ अपने ईमेल वाले आइकॉन पे, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे रिवार्ड सेंटर का ऑप्शन है। रिवार्ड सेंटर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। आप अपने मोबाइल पे रिवार्ड सेंटर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे वाउचर कोड्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाउचर कोड मैंने जस्ट अभी रिडीम करके देखा हुआ है, तो अभी मेरे इस बाइनेंस के जो मेरा बाइनेंस का ये जो अकाउंट है इस पे एसेट नहीं है किसी भी तरीके का, इसलिए ये एक्टिव शो नहीं कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 आज जो डेट है आप देख सकते हैं कि आज के ही दिन मैंने इसको यहाँ पे रिडीम किया है, जिससे कि मैं चेक कर सकूँ कि क्या मेरे पास फंड इसमें नहीं होता है तो भी क्या मैं ये ट्रायल फंड के लिए इसको यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपके पास कोई ना कोई एसेट बैलेंस आपका जरूर होना चाहिए स्पॉट में, तो उसको आप एक तरीके से यहाँ पे गिरवी रखेंगे, उसके बाद ही इनका जो USDT आप ले रहे हैं या फिर BUSDT आप वाउचर कोड के रूप में ले रहे हैं वो आप ले सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपने किसी भी एसेट को बाई किया है ऑलरेडी और उसमें आपका अगर लॉस चल रहा है और उस टाइम पे अगर आपको ये वाउचर कोड मिल रहा है 0% पे इंटरेस्ट पे और आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है, तो उस टाइम पे आप इसको बाई कर सकते हैं, यानी कि इसको ले सकते हैं, और लेने के बाद 7 दिन तक यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट पे। और इस तरीके से आपका वो वाला जो एसेट आपका पहले से बड़ा हुआ है वो एक तरीके से यहाँ पे जमा हो जाएगा और उसके एवज में आपको और ज्यादा USDT यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाए तो इनको आप रीपे कर दें, और रीपे करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से निकल जाएगा यहाँ से।
बाकी अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास आप यहाँ पे लॉस में नहीं है या किसी भी तरीके के, तो इसको आप 7 दिन के अंदर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, लेकिन वो इसको क्लोज नहीं करते हैं, रीपे नहीं करते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो 7 दिन के अंदर आपको ये रीपे भी करना है। मैं यहाँ पे आपको सेकंड वाला अगर रिडीम करके दिखाता हूँ, तो रिडीम पे मैं गया, गो टू द सेविंग पेज पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको USDT का या फिर BTC का कोई ना कोई पेयर मांगेगा और आपको किस कॉइन में आपको चाहिए ये, तो आपको वो कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप बोरो कर सकते हो। बोरो करने पर आपको क्या होगा कि आपके एसेट में जो भी फंड होगा वो फंड आपका जमा हो जाएगा और उसके एवज में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिख रहा है आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको कंफर्म करेंगे तो रिडीम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जब एसेट इसमें इतना होगा तभी मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका 7 दिन के बाद जो इसका इंटरेस्ट लगेगा पड़ेगा वो लगेगा 0.02192 BUSD पर डे। इतना BUSD पर डे के हिसाब से यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है कि आपका अगर माइनस में यहाँ पे कोई भी फंड चल रहा है तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए। लेकिन अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन जाती है तो आपको फिर से अपनी जेब से यहाँ पे पैसा डाल के इसको रीपे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो माइंड में आपके ख्याल आ रहा था कि $500 का मतलब लगभग 40,000 रुपये आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं, या फिर मुझे तो आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी एक तो यहाँ पे 7/1/2022 को रिडीम किया हुआ है, उसके अलावा भी मेरे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ 7 दिन के लिए। इसको भी यानी कि $1,000 है, यानी कि 80,000 रुपये मुझे यहाँ पे एक तरीके से लोन के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसको मैं यूज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस तरीके की लोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके की लोन आप भी मेरे हिसाब से मना लें कि यहाँ पे जो ये आपको फंड दे रहे हैं वो आप एक तरीके से यूज कर सकते हो मार्जिन में, और मार्जिन वाले में आपको पता है कि आप 3x 2x का लीवरेज लेंगे तो वहाँ पे भी आपका या तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और काफ़ी अच्छा आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है वाउचर कोड का किस तरीके से रिडीम करना। कोई यहाँ पे कोई कठिन काम नहीं है, आप आराम से इसको रिडीम कर पाएंगे। और रिडीम करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको रिवार्ड सेंटर में जाना है, रिडीम पे जाना है, अपना कोई भी पेयर सेलेक्ट करना है। अगर USDT का है तो USDT का, BUSD में आप ट्रेड करते हैं तो उसका, ठीक है, वो पेयर सेलेक्ट करके आपको रिडीम कर देना है जो भी कॉइन आपको चाहिए। उसके बाद बोरो करना है, तो बोरो करेंगे तो आपको अपना कोई ना कोई एसेट वहाँ पे जमा करना पड़ेगा जो आपका ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको आप अभी सेल नहीं करना चाहते तो उसको आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और उसके एवज में आपको फिर वो कॉइन मिल जाएगा, यानी कि USDT या फिर BUSD मिल जाएगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा जिससे कि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।